मौसम के मिजाज की भी बताती हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यकबस्ता हवाओं में भी नरमी आई है, ताहम दो मकामात ऐसे हैं जो आज के दिन में भी मनफी दर्जे हरारत दिखा रहे हैं, टेम्परेचर वहाँ पर आज भी मनफी है। एक तो पहलगाम जहाँ पर दर्जे हरारत -5 तक चला गया है, और उसके साथ साथ गुलमर्ग जहाँ पर दर्जे हरारत -4 तक चला गया है। लगातार मौसम का मिजाज जो है वो बदल रहा है, लेकिन शहर के अंदर मतला और आलूद रहा कुछ देर वक्फे के लिए, उसके बाद धूप ने भी अपना कमाल दिखाया और उस कमाल की वजह से दिन के दर्जे हरारत में भी थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिली, और श्रीनगर के अंदर रात के दर्जे हरारत में भी नुमाया बेहतरी जो है वो देखने को मिली। जो शिद्दत 3-4 डिग्री की पिछले कई दिनों से श्रीनगर के अंदर देखने को मिल रही थी, उसमें थोड़ी सी राहत जो है वो जरूर देखने को मिली। नंबर 1। नंबर 2, जो धुंध सुबह सुबह कोहरा और धुंध की वजह से गाड़ियों की आवाजाही को नुकसान होता था, नहीं चल पाती थी, उसमें भी बेहतरी के आसार जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मौसमियात महकमे की पेशेंगोई के मुताबिक मजीद बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी, और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मौसम जो है वो और बेहतर रहेगा। 10 दिनों तक महकमे मौसमियात की पेशेंगोई ये है कि बेहतर निज़ाम रहेगा। कुल मिलाकर अभी तक आप देखेंगे महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक 20 दिसंबर के बाद एक बार फिर से, हालांकि वेट स्पेल की उम्मीद है लेकिन 20 दिसंबर तक फिलहाल नहीं। दूसरी बात, ये नेशनल हाईवेज की अपडेट भी साथ साथ आपको बताते चले, मुगल रोड अभी भी हमारी जानकारी के मुताबिक बंद है, जैसे इस पर फर्दर अपडेट हो सकता है दोपहर तक, क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता है साफ हो रहा है, तो साथ साथ मशीनरी भी काम कर रही है, तो शायद बाद दोपहर खोला भी जा सकता है, एक तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत भी मिल सकती है। कम बर्फबारी थी लेकिन गाड़ियां, ये जो ट्रैफिक का सिलसिला मुतासिर जरूर हुआ था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल गाड़ियां चल रही हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है। श्रीनगर लेह शाहरा पर हमारी इतलात के मुताबिक वन वे ट्रैफिक जो है वो शुरू करने के लिए भी तैयारियां काफी जोरों पर हैं, क्योंकि जुजिला के मकाम पर परसों रात को जो बर्फबारी हुई और फिर पूरी रात को बीच बीच में वक्फे वक्फे से बर्फबारी होती रही, उसने कल दिन भी ट्रैफिक के निजाम को मुतासिर किया। इधर हमारी इतलात के मुताबिक बांडीपुरा गुरेज सड़क को भी जैसे जैसे बर्फ कम हो रही है वैसे वैसे खोलने के लिए साथ साथ इजाजत दे दी गई है, लेकिन अभी इस बात का भी इंतजार करना होगा कि मुगल रोड और श्रीनगर ले शारा पर फर्दर जो अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। क्या सीधे श्रीनगर चलेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ इरफान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान जरा अपडेट कीजिएगा, खबर दिल्ली में ये है कि जनाब सूरत-ए-हाल कदर बेहतर है श्रीनगर की, जहां पर रात के दर्जे हरारत में भी बेहतरी आई है, और लेकिन पहलगाम और गुलमर्ग -4 और -5 के बीच में टिक रहा है। देखिए गौर साहब, बिल्कुल जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर देखा जाए जो नाइट टेम्परेचर जो है तकरीबन दो प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर पहलगाम और गुलमर्ग की अगर मैं बात करूं, जहां पर थोड़ा सा स्लाइड कह सकते हैं वहां पर भी चेंज आई है। पहलगाम को लेकर बात करें तो मनफी वहां भी चल रहा है, गुलमर्ग को वहां भी चल रहा है, मगर दीगर अगर शहर श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर की मैं बात करूं, एक ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर होना इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेट वेदर, जो बारिशें हुई है बारिशों की वजह से जो है, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि -1.5 चल रहा था और कोहरा चल रहा था, इन बिटवीन अगर देखे थोड़ा सा फ्रोजन एटमॉस्फेयर हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज जरूर आई है, तब्दीली आई है, जिसे हम कह सकते हैं कि सब जीरो टेम्परेचर जो है तकरीबन चला गया है। और मौसम महकमे का भी ये मानना है कि 13 दिसंबर तक जो है तकरीबन ये सब टेम्परेचर जो है सब जीरो टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है, मगर इन बिटवीन अगर बात करें गौर साहब 12 और 13 के बीच में एक और मगरबी हवाओं का असर जो है वो वादी कश्मीर में बताया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर बाला इलाकों को लेकर हल्की बर्फबारी और हल्की बारिशें हो सकती है, मैदानी इलाकों पर इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। जबकि हम देख रहे हैं कि मीनवाइल मुगल शहरा सिंथन टॉप या कश्तवाड़ जो है तकरीबन स्नोफॉल की वजह से जो रोड है उसे क्लोज भी किया गया था, मगर ये सारी चीजें प्रोसेस में जरूर चल रही है, मगर साथ में ये भी बताया जा रहा है कि श्रीनगर ले हाईवे जो है उसे भी क्लोज कर दिया गया है, बिकॉज रोजिला में जो बर्फबारी हुई है उसको अब क्लियर करने के लिए मेन एंड मशीनरी जो है वो लगी हुई है। फिलहाल मौसम महकमे का मानना वादी कश्मीर में सब जीरो टेम्परेचर और लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजल अपडेट करने के लिए कि श्रीनगर शहर के अंदर दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी आई है, और आने वाले 10 दिनों तक अब किसी तरीके से किसी भी मौसमियात महकमे की पेशेंगोई के मुताबिक बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। अब जरा बताते हैं।